यहाँ गोकुल और मथुरा के बीच एक गांव औरंगाबाद है, जिसमें तकरीबन 21-22 गांव आते हैं और अन्य कॉलोनियाँ जो कि यहाँ शमशान घाट बिल्कुल ही ऐसा है कि कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। जमुना जी के बेहद निकट है, बेहद निकट है जमुना जी के। यहाँ बहुत ही गंदगी रहती है। मेरी गुजारिश है सभी फ्रेंडों से और अधिकारियों से कि यहाँ हमारे यहाँ औरंगाबाद में शमशान घाट की व्यवस्था की जाए। यहाँ देखो ये गोकुल बैराज है और सामने हमारे गोकुल कन्हैया जी का गांव, गोकुल के सामने हमारा हमारे गांव का ये शमशान घाट आज बहुत ही बेकार झरझर पड़ा हुआ है। हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि वो इसको शुद्धिकरण को यहाँ अच्छा डेवलपमेंट करे। हम यहाँ भैया से पूछते हैं यहाँ क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ शमशान की समस्या हल होनी चाहिए। गोकुल के नज़दीक होने के कारण यहाँ ऑल इंडिया का टूरिस्ट आता है, जो इसकी गंदगी और इस चीज़ को देखकर क्या कहता होगा दुनिया में जाकर। इसके बारे में यहाँ किसी का ध्यान नहीं है। गाँव वालों ने कई बार इसकी अपील भी DM साहब को दी है, मगर यहाँ शमशान की व्यवस्था कुछ भी नहीं है, ना कोई सफाई की व्यवस्था है। हजारों महीने में एकाएक चिताएं जलती हैं और उनकी राखें यमुना किनारे यहीं प्रदूषित करती है यमुना जल को, उसकी निकालने के लिए कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ अगर धूप पड़ती है या वर्षा आ जाए तो यहाँ रहने के लिए व्यवस्था क्या है, क्या है यहाँ पे? अर्थी के साथ आने वाले लोगों के लिए और अर्थी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, या बारिश पड़े या ओलू पड़े। आप देखते हैं चारों तरफ कितना गंदगी और कीकर खड़े हुए हैं। यहाँ ना कोई टीन सेट है, ना कोई पक्का भवन बना हुआ है, जो कि सरकार से हर शमशान के लिए पैसा आता है, मगर इसके लिए आज तक कुछ भी नहीं आया है। तकरीबन कब से है ये शमशान घाट यहाँ? ये शमशान घाट कम तकरीबन 90 साल से है। तो कोई इसका जीवाधार नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ है, बैराज बन चुका है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। तो फिर आप क्या कहना चाहते हैं, आगे कोई बात कहना चाहते हैं तो क्या कहना चाहते हैं आप? तो यही कहना चाहते हैं कि दुनिया में अल्लाह है, कि निर्मल यमुना और शुद्ध यमुना, यमुना शुद्ध कहाँ से होगी जब तक शमशान घाट और नालों की सफाई ना होगी। चलो ठीक है।